पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया। मैं इस मते की प्रोड़ता करदा गा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनिया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 7% सी चंडीगढ़ दे विच और हरियाणे का 40% सीगा और सरकारां समय समय से बनदियां रहियां, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी आदेश नहीं दिया। लगातार बीजेपी में जो हिस्सा कटता गया, लगातार यूनिवर्सिटी में जो हिस्सा कटता गया, जिन्हें इंस्टीट्यूशन सीगिया, जिन्हें संस्थावां सीगिया, सारे में जो हिस्सा कटता गया, पर लेकिन इन्होंने सरकार लगातार बीजेपी बोली बोलदियां रहियां। जो केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार होंदी सीगी, उस समय भी राज्यां दे अधिकारां ते डाका पैंदा सीगा। जो केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार आ, उस समय भी पंजाब दे उत्ते डाका पिया गा, दिल्ली दे उपर डाका पिया गा। तुहानू पता गा कि किस तरह केजरीवाल साहब उपर हमला होया गा, उस हमले दी निंदा करदे आ कि लगातार केंद्र सरकार जिहड़ा हैगा पंजाब दे अधिकारां ते डाके मार रहा है। स्पीकर साहब मान साहब ने जो देश की पार्लीमेंट दे विच सीगे लगातार पंजाब दे मुद्दयां दी आवाज़ बुलंद कीती, चाहे पानियां दी गल सी, हरेक इशू नूं, हरेक मसले नूं, चाहे कोई भी मामला पंजाब दा आउंदा सीगा, सारे मैंबर पार्लीमेंट, लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते हैं, 7 राज सभा तो, 13 लोक सभा तो, और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे। सरदार भगवंत सिंह मान कले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री को घेरते। प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलेगा बाजवा जी, पूरा कर लें। स्पीकर साहब तीन काले कानून बना के केंद्र दी सरकार ने पंजाब दे किसानां ते हमला बोलिया, पंजाब दे राज सरकार ते हमला बोलिया, जो भी इजाजत तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना कीता जावे। जेड़ा विषय स्टेट दा सीगा, जिस विषय दे उत्ते स्टेट ने कानून बनाउणा सीगा, उस विषय दे उत्ते बीजेपी सरकार ने कानून बनाया। बिल्कुल उस विषय दे उत्ते बीजेपी दी सरकार ने कानून बनाया। तुसीं स्पीकर साहब बाजवा जी, तुहानूं समा, अगले स्पीकर तुसी हो। गल पूरी कर लैन दिओ गल पूरी। स्पीकर साहब मानयोग स्पीकर साहब, जो पेंडू विकास फंड की गल आ, जो पेंडू विकास फंड की गल आ, केंद्र सरकार ने साडा पेंडू विकास फंड रोक दिया। एक मिनट जी, बाजवा जी तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो। अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब, बाजवा साहब, इधर सुनो, लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो। बैठो, मंत्री जी बैठो, बैठो।
ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਤਾ ਲਾਈਵ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ ਹੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।